गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने अ से लेकर बड़ी ई तक अब सीख लिया है। आज हम एक नया अक्षर, नया स्वर करने जा रहे हैं। पता कौन सा स्वर है? वो है ए, ए से एडी। मगर उसके पहले एक बार हम पूरा जो हमने बड़ी तक सीखा है उसे एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अ से अनार। आपने अनार ड्रॉ करके कलर किया था ना रेड से, लाल लाल अनार। आ से आम, मीठा मीठा आम। छोटी ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली। बड़ी ई से ईख। आपने कभी गन्ने का जूस पिया है? पता है गन्ने का जूस ईख से होता है, ये ईख है, गन्ना जिसे हम कहते हैं। तो बड़ी ई से ईख। छोटा उसे उल्लू, और उल्लू हमें कब दिखता है? रात में। छोटा उसे उल्लू। बड़े उसे ऊन, स्वेटर पहनते हो ना, तो बड़े उसे ऊन, ठीक है? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन। और आज हम कौन सा करेंगे स्वर? ए से एड़ी। ये देखो, इसे कहते हैं एड़ी, ये हमारी एड़ी है। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे फाइव लाइंस में ए से एडी लिखना है। बहुत ही सरल है, उसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, उस लाइन फर्स्ट वाली जो लाइन है, हम उस लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ए से एडी लिखना सेकेंड लाइन से, ठीक है? सेकेंड लाइन में आप इन टू लाइंस में आप छोटा सा स्टैंडिंग लाइन खींचोगे, और थोड़ा सा आगे एक और स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है? और इधर से आप उस लाइन को थर्ड लाइन तक स्लैंट कर दोगे, और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ए से एडी। एक बार और देखिए, टू लाइंस में स्टैंडिंग लाइन, उसको स्लीपिंग लाइन करके ऐसे जॉइन कर देना है, और इस तरफ से इसको स्लैंट निकाल देना है। तो ये बन गया हमारा ए से एडी। ओके किड्स, फिर से देखेंगे, टू स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, एंड इधर से स्लैंट, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ए से एडी। दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे टू स्टैंडिंग लाइन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन के ऊपर नीचे ये लेटर ना हो। स्लीपिंग लाइन देन स्लैंट, और ऊपर से ऐसे। तो ये बन गया हमारा ए से एडी। अब आज हम ए से एडी अपनी हिंदी वाली जो हमारी बुक है, सी दिस इज आवर बुक, ये हमारी बुक है ना हिंदी अक्षर लेखन, हमें इस बुक में 19 पेज में करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपना ये वाला वर्क अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। सो टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग ए से एडी। ये आपकी बुक है बेटा, इस बुक में पेज नंबर 19 में हम लिखेंगे ए से एडी। थ्री लाइंस में ट्रेस करना है आपको, और एक लाइन आपको खुद से लिखना है। पहले आप स्लीपिंग लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, फिर जैसे मैंने आपको सिखाया है टू लाइंस में ऐसे डॉट डॉट को मिलाकर स्लीपिंग लाइन से इसको ऐसे स्लांट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा ए से एडी। आज आपको केवल एक लाइन खुद लिखना है, बाकी थ्री लाइंस ट्रेस करने हैं। ओके किड्स, सो डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।